हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्कशीट। आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्कशीट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, और आज हम उसकी वर्कशीट करने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव, शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट के साथ विल हैव और शैल हैव का यूज होता है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज भी हम कर सकते हैं। विल एंड शैल दोनों करेक्ट हैं। आई और वी के साथ विल का यूज भी हम कर सकते हैं, शैल का यूज भी कर सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करें हम आज की अपनी वीडियो। और फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें ब्रैकेट में वर्ब दी है एंड हमें सेंटेंस फॉर्म करने हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो रूल्स मैंने आपको बताए थे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। विल हैव यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो सी फर्स्ट, डेविड will have, finish की थर्ड फॉर्म होगी finished। David will have finished his exam by 15 September। David 15 September तक अब एग्जाम फिनिश कर चुका होगा। नेक्स्ट, लीव हमें वर्ब की यहाँ पे फॉर्म दी है, दे विल हैव, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, दे विल हैव लेफ्ट द क्लासरूम बाय द एंड ऑफ द डे। वे दिन के अंत में क्लासरूम छोड़ चुके होंगे। नेक्स्ट, ही विल हैव, राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटर्न। ही विल हैव रिटर्न द बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। वह इस ईयर के एंड तक इस बुक को लिख चुका होगा। नेक्स्ट, द सन विल हैव राइज, यहाँ पे वर्ब दी है तो फर्स्ट फॉर्म राइज, रोज, राइजन। द सन विल हैव राइजन बिफोर वी स्टार्ट आउट, हमारे जाने से पहले सनराइज हो चुका होगा। नेक्स्ट, द बर्ड्स will have, fly हमें यहाँ पे वर्ब दी है तो fly की थर्ड फॉर्म होती है flown, fly, flew, flown, थर्ड फॉर्म इज flown। The birds will have flown to the south by winter, विंटर में birds south को उड़ चुके होंगे। Next, Richard will have received, received की थर्ड फॉर्म है received। Richard will have received his package by now, अब तक Richard अपना package receive कर चुका होगा। Next, she will have, go की third form है go, went, gone, she will have gone to Paris to meet her parents, वह अपने parents से मिलने Paris जा चुकी होगी। Next, he will have, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन। ही विल हैव ईटन हर डिनर ऑन टाइम, वह टाइम से अपना डिनर कर चुका होगा। आई विल हैव परचेज की थर्ड फॉर्म है परचेज, आई विल हैव परचेज थ्री शर्ट्स फ्रॉम द शॉप, मैं शॉप से तीन शर्ट्स खरीद चुका हूंगा। Next, I will have read red red, third form is R-E-A-D red, I will have read this book, मैं इस बुक को पढ़ चुका होंगे। Next, they will have, do की third form है do, did, done, they will have done their work next week, वे next week तक अपना work कर चुके होंगे। See your next exercise,
रीराइट द सेंटेंसेस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हमने इन सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. दीज आर द सेंटेंसेज इन फ्यूचर सिंपल टेंस. ये सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस में. अब हम इन्हें चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. तो परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट देन विल हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट. हीना विल विजिट हर ग्रैंडपा. तो पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? हीना विल हैव विजिटेड हर ग्रैंडपा. हीना अपने ग्रैंडपा के वहां विजिट कर चुकी होगी. नेक्स्ट, जॉन विल गो टू स्कूल ऑन मंडे. जॉन स्कूल जाएगा. जॉन मंडे को स्कूल जाएगा. फ्यूचर सिंपल, वी हैव टू चेंज इट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो जॉन विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ गो गॉन. जॉन विल हैव गॉन टू स्कूल ऑन मंडे. जॉन मंडे को स्कूल जा चुका होगा. नेक्स्ट, अवर टीम विल विन द गेम टुडे. हमारी टीम आज गेम जीतेगी. फ्यूचर परफेक्ट, अवर टीम विल हैव विन won the game today. हमारी टीम आज गेम जीत चुकी होगी. नेक्स्ट, माई ब्रदर विल ईट फ्रूट्स. माई ब्रदर विल हैव ईटन फ्रूट्स. मेरा भाई फ्रूट्स खा चुका होगा. I will pay rent for 10 months. मैं 10 month के लिए rent pay करूंगा. तो हम इसे बनाएंगे future perfect tense. तो क्या होगा? I will have paid rent for 10 months. मैं 10 month के लिए rent pay कर चुका होऊंगा. Next, I will watch TV. मैं TV देखूंगा. फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव वॉच्ड टीवी. मैं टीवी देख चुका होऊंगा. ही विल पेंट माई हाउस. वह मेरा घर पेंट करेगा. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट क्या बनेगा? ही विल हैव पेंटेड माई हाउस. वह मेरा घर पेंट कर चुका होगा. नेक्स्ट, He will learn French. वो फ्रेंच सीखेगा. He will have learned French. वो फ्रेंच सीख चुका होगा. It will snow all day long. सारा दिन ये बर्फ पड़ेगी. Future perfect. It will snow all day long. Next, Tom will write an article. Tom एक article लिखेगा. Future perfect. Tom will have written an article. Tom एक article लिख चुका होगा. Next, I will complete my work. मैं अपना work complete करूंगा. I will have completed my work. मैं अपना work complete कर चुका हूँगा. तो इस exercise में हमने change किए future simple के sentence को future perfect tense में. I hope आप सबको ये video पसंद आया होगा. For more such videos, please like, share and subscribe my channel.